खरगोन जिले के गोकुलदास पब्लिक स्कूल में बच्चों ने इंदौर में आयोजित परीक्षा में बाजी मारकर अव्वल स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर संस्था प्रमुख ने उनका स्वागत किया है। हम आपको बता दें कि इंदौर में 7 से 10 जनवरी तक जेईई मेंस परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में प्रदेश भर से स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें खरगोन जिले की गोकुलदास पब्लिक स्कूल के 11 प्रतिभागियों ने अपने शानदार जौहर का प्रदर्शन किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। अभी जनवरी 7 जनवरी से 10 जनवरी तक हुई थी एग्ज़ाम, तो हम लोगों ने इसके लिए पूरे 2 साल प्रिपेयर किया था और अभी रिजल्ट आया है, कल ही रिजल्ट आया है। हमारी स्कूल से टोटल 11 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं और जिसमें हाईएस्ट 99 परसेंटाइल रहे हैं और ये जी खरगोन के हाईएस्ट परसेंटाइल है, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। और अभी जो अप्रैल में भी मेंस होगी उसके और जो बोर्ड्स है उसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो परीक्षा कहाँ आयोजित हुई थी आपकी? ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होती है और ये हम लोग इंदौर देने गए थे, सब लोग सबके अलग अलग सेंटर्स थे तो सबने साथ में। क्या सोच क्या है इसके पीछे, क्या उद्देश्य है, क्या ये कॉलेजेस के लिए, स्पेशली NITs IITs के लिए, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस भी इसके परसेंटाइल देख के आपको कॉलेज दे देते हैं और आपको अगर जिस एग्जाम को हमने क्वालिफाई किया जो ये एडवांस के कट ऑफ को, तो उसके लिए बोर्ड्स में भी 75% होना ज़रूरी है, तो हम लोग अभी बोर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सुबह IITians पढ़ाते हैं और इसका हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि घर पर जाके हमें सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत मिल जाता है। जैसे अगर हम कोई नॉर्मल कोचिंग जाते हैं तो उसमें ही 7 या 8 बज जाती है, तो उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर हम 3 बजे फ्री हो जाते हैं और 3 बजे से लेकर जब तक हमारा मन होता है तब तक पढ़ लेते हैं। ये परीक्षा दिया आपने, कहाँ आयोजित हुई थी? ये इंदौर में आयोजित हुई। कितने छात्रों ने हिस्सा लिया था इसमें? लगभग लगभग 12 लाख के आसपास। अपने गोकुलदास के कितने बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए? गोकुलदास से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को? और भी पढ़ना तो ये एग्जाम के लिए बहुत पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। जैसे हमारे टीचर सारे IITians हैं तो उन्हें पता है कि किस तरीके से बच्चों को इसकी तैयारी करवाना है, तो हमें इस बात का बहुत फायदा मिलता है, वो सपोर्ट भी करते हैं। किस तरह की परीक्षा थी ये? परीक्षा किस तरह की थी? ऑनलाइन परीक्षा थी।